ना चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और हमेशा की तरह फीमेल फर्स्ट फीमेल डिवीजन की तरफ से हमें यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिलेगा रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का का। और सर्वाइवर सीरीज में तो आस्का को एक बड़ी हार मिली है साशा बैंक्स के अगेंस्ट, पर अब रॉ पर आस्का की फ्यूड किसके साथ होगी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है लोन सर्वाइवर डिक्लेयर हुई थी लाना सर्वाइवर सीरीज में, और WWE का बड़ा पुश स्टार्ट हो गया है लाना के लिए, और अब हमें लाना टाइटल पिक्चर में भी देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट रॉ पर हमें आस्का और लाना के बीच में फिर से एक बार सेगमेंट देखने को मिलेगा, और हमें यही फ्यूड देखने को मिलेगी आस्का वर्सेस लाना की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट गाइस देखने को मिलेगा हार्ट बिजनेस का, वहां पर होंगे बॉबी लैशली, MVP, सेल्टर बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर। और हमें इस टीम की फ्यूड देखने को मिलेगी कंटिन्यू रेट्रीब्यूशन के साथ ही, क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है WWE से जैसे रूमर्स थे कि रेट्रीब्यूशन का हमें मैच देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। WWE ने रेट्रीब्यूशन को नहीं बुक किया, पर वहाँ आगे आने वाले किसी बड़े पेपर में रेट्रीब्यूशन का मैच जरूर देखने को मिलेगा। और WWE TLC पेपर के लिए रेट्रीब्यूशन वर्सेस हार्ट बिजनेस का मैच कंफर्म कर सकती है, जो कि WWE फैंस देखना भी चाहेंगे। और नेक्स्ट ऑपर हमें सेलिब्रेट करते दिखाई देंगे बॉबी लैशली उनकी सर्वाइवर सीरीज की विन को। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा ब्रे वाइट का फायरफ्ले फन हाउस। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज से पहले ऐसे लग रहा था कि अब फिंड दोबारा से WWE चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं, और हमें फिंड वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में भी देखने को मिला था कुछ, पर अब तो ड्रू मैकइंटायर हो चुके नए चैंपियन। तो क्या फिंड की निगाहें अभी भी WWE चैंपियनशिप के ऊपर हैं? क्या फिंड आके अटैक कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर पर? गाइस फिंड और एलेक्सा ब्लिस का ये सेगमेंट देखना काफी एक्साइटिंग होगा। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन का। आप रैंडी ऑर्टन को किस तरह से बुक करने वाली है WWE? क्या फिर से वो टाइटल पिक्चर में रहेंगे या फिर हमें कोई दूसरी फ्यूड देखने को मिलेगी रैंडी ऑर्टन की? वैसे हो सकता है गाइस रैंडी ऑर्टन इतनी जल्दी उनकी चैंपियनशिप ना भूले और वो अभी भी फ्यूड में कंटिन्यू रहे ड्रू मैकइंटायर के साथ ही। तो रैंडी ऑर्टन अब क्या नया करते हैं, और WWE अगर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में फ्यूड कंटिन्यू रखेगी तो इसमें क्या नया दिखाएगी जिससे कि WWE फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हों इस फ्यूड के लिए? ये तो हमें नेक्स्ट स्टॉप पर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस हमें सेगमेंट देखने को मिलेगा WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर का, और ड्रू मैकइंटायर यहां पर एड्रेस करेंगे रोमन रेंस के लो ब्लो का कि रोमन रेंस ने चीटिंग से जीत हासिल की सर्वाइवर सीरीज में, और वो इस रोमन रेंस को फिर से एक बार चैलेंज करेंगे और वार्निंग देंगे। पर यहाँ पर हमें एक शॉकिंग थिंग ये देखने को मिलेगी कि मिज अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने की ट्राई कर सकते हैं, और हो सकता है वो कैश इन कर भी दें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब से मिज के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट आया है वो उसको कैश इन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और जब से ड्रू मैकइंटायर भी दोबारा चैंपियन बने तो मिज के भी चैंपियन बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो WWE रैंडी ऑर्टन से हो सकता है नई चैंपियनशिप लेती, पर अब जब से ड्रू मैकइंटायर हैं तो मिज के कैश इन करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हॉप पर मिज कैश इन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कैश इन सक्सेसफुल होता है या फिर कैश इन नहीं हो पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट हॉप पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस हमें रॉ टैग टीम चैंपियन कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के भी कोई नए चैलेंजर देखने को मिलेंगे। हो सकता है दोबारा से सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन चैलेंज कर सकते हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को। तो गाइस ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा TLC के लिए और भी तगड़ा बिल्डअप दिखाएगी WWE। पर गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप मिज का कैश इन देखना चाहते हैं, और कैश इन का सक्सेसफुल हो और बन जाए वो WWE चैंपियन, या फिर कैश इन हो जाए फेल, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना।